रामगोपाल वर्मा हमेशा किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी के बहाने चर्चा में जरूर रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले सनी लियोन के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण लोगों ने इनका मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था, लेकिन अब एक बार फिर रामू ने एक नया कांड कर दिया है। दरअसल रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल के बीच फाइट करवाने की ख्वाहिश जताई थी। रामू ने ट्वीट कर कहा था कि अगर टाइगर श्रॉफ विद्युत को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं तो विद्युत जरूर हार जाएंगे। अब ये सब पढ़ने के बाद विद्युत भी कहां चैन से रहने वाले थे, उन्होंने रामू को फोन किया। फोन पर रामू ने टाइगर के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया और उन्हें ट्रांसजेंडर तक कह दिया। अब गुस्से के मारे विद्युत ने भी ये सब चीजें रिकॉर्ड कर ट्विटर पे पब्लिक कर दी। When asked Tiger to comment on this, he said that it may not seem appropriate if he says his Mann Ki Baat, as the Sarkar director is a senior member of the film fraternity. But I'm just glad I have made some sort of an identity mark in the industry that people are at least talking about me. I have made some sort of impact. Tiger further added, it would be out of line for me to react. I don't want to bring shame to my mother, father, and I don't think they would want me to react. I don't want to give more light to this situation. हालांकि टाइगर के पेरेंट्स और बहन ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। टाइगर की माँ आयशा ने कहा कि भाई कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं टाइगर के पिता जैकी श्रॉफ ने कहा, मैं अब क्या कहूँ, कुछ लोगों पर मेरे बेटे का इतना प्रभाव है कि वो अपना काम छोड़ शेर के बच्चे पर कमेंट करने लगते हैं। यहाँ तक कि टाइगर की बहन कृष्णा ने कहा, मुझे अपने भाई पर गर्व है, उसने उन लोगों पर भी अपनी छाप छोड़ी है जो उससे बहुत पहले से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। हालांकि रामू ने जब देखा कि विद्युत ने उनकी बातों को पब्लिक कर दिया तो उन्होंने ट्विटर पे ही सबसे माफी मांगते हुए लिखा कि Though it was done in my usual fun way, I apologize to both Vidyut Jamwal and Tiger Shroff for the irritation caused. अब रामू की तो ये पुरानी आदत है कि वो हमेशा नए नए पब्लिसिटी हथकंडे अपनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा ही रहा तो किसी दिन बहुत बुरे फंसने वाले हैं जनाब।